समाचार दिल्ली थी वधु त्रण दिवसना रिमांड पर छे पी चिदंबरम। जी हां, कोर्टे पूर्व गृहप्रधान चिदंबरमना वधु त्रण दिवसना रिमांड मंजूर कर्या छे। तो आखरे पी चिदंबरमनी मुश्किली ओछू थवानुं नाम नथी लई रही अने 2 सप्टेम्बर सुधीना कोर्टे रिमांड मंजूर कर्या छे कि जेमां तेमनी सघन पूछताछ थशे। वधु त्रण दिवसना रिमांड पर हवे पी चिदंबरम छे, एटले के 2 सप्टेम्बर सुधी तेमने राहत नहीं मळी शके। तो कोर्टे चिदंबरमना 2 सप्टेम्बर सुधीना रिमांड मंजूर कर्या छे। દિનવદિન તેમની મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે। તેમની ધરપકડ બાદ આખરે તેમના રિમાન્ડ માટે અરજી કરાઈ હતી અને આખરે ફરી એકવાર તેમની રિમાન્ડ માટે જે અરજીની વાત હતી તેમાં 2 સપ્ટેમ્બર સુધી તેમના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે, એટલે કે વધુ 3 દિવસના રિમાન્ડ પર રહેશે પી ચિદમ્બરમ। આજ મામલે વધુ વિગતે વાત કરી રહ્યા છે ટીવી9 સંવાદદાતા રજનીશ રંજન। રજનીશ, ક્યા હે અધિક જાણકારી? बिल्कुल, देखिए सीबीआई ने 5 दिनों के रिमांड की मांग की थी और उनका ये कहना था कि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब पी चिदम्बरम ने नहीं दिया है। कुछ जो सह आरोपी हैं उनके साथ उनका सामना कराना है और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसको अभी एक बार एग्जामिन करना है पी चिदम्बरम के सामने। इस पर जज थोड़े नाराज भी हुए, उन्होंने कहा कि आप हर बार 5-5 दिन का रिमांड क्यों मांगते हैं जब आपको इस केस की गंभीरता के बारे में मालूम था और तमाम जो प्रोसीड्यूर लीगल प्रोसीजर होते हैं उसकी जानकारी आपको है, इसके बावजूद आपने एक ही बार 15 दिन का रिमांड क्यों नहीं मांगा। उस पर कई तरह के आर्गुमेंट हुए, बहस हुई और अंत में जाकर जज ने यह फैसला किया कि 3 दिनों की जो रिमांड है वो बढ़ाई जाएगी, यानी कि सोमवार तक पी चिदम्बरम एक बार फिर से सीबीआई कस्टडी में रहेंगे। हालांकि बहुत अप्रत्याशित घटनाक्रम भी हुआ है कि चिदम्बरम के ही वकील ने ये मांग की थी कि सोमवार तक उनको सीबीआई कस्टडी में ही रहने दिया जाए और क्योंकि सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने वाली है, सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय भी दे सकती है, इसलिए चिदम्बरम भी चाहते हैं कि वो सीबीआई कस्टडी में ही रहें क्योंकि अगर सीबीआई कस्टडी उनको नहीं मिलती है तो सीबीआई उन्हें जेल भेजने की मांग कर सकती थी। तो इस वजह से पी चिदम्बरम भी चाहते थे कि उनको कस्टडी में ही रखा जाए और उस बात को माना है कोर्ट ने और 3 दिनों का जो पुलिस जो सीबीआई कस्टडी है वो चिदम्बरम के लिए दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 8 दिन पहले और 3 दिन, कुल 11 दिनों की कस्टडी अभी से पी चिदम्बरम के लिए तय हुआ है और सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट तय करेगा कि आगे वह इस केस की दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ना है और जो सीबीआई या पी चिदम्बरम के वकीलों की जो मांग होगी उसके आधार पर कोर्ट आगे कार्रवाई करेगी।